हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ मैथ प्रश्नावली 4.2 का पार्ट सेकंड में हम क्वेश्चन 3 से और लास्ट क्वेश्चन 6 तक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो दो संख्याओं का योग 27 दे रखा है। पहली संख्या बराबर एक्स मान लिया तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। दो संख्याओं को योग दे रखा है 27, हमने पहली संख्या एक्स मान ली तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स। अब प्रश्नानुसार दो संख्याओं का गुणनफल एक्स और 27 माइनस एक्स, इन दोनों का गुणनफल हमें क्वेश्चन में दे रखा है 182। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 27 को एक्स को गुणा करेंगे तो 27x माइनस एक्स को एक्स को गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 182। इनको एक तरफ ले जाते हैं इधर माइनस की हो जाएगी प्लस, इसको इधर लेके तो माइनस के प्लस के 27 है जो माइनस के 27x हो जाएंगे, ये इधर है ही इसलिए 182 बराबर 0। इन दोनों संख्याओं को इधर लिया है तो चिन्ह बदल दिए। अब 27 कैसे टुकड़े करते हैं कि 182 आ जाए और जोड़ने पर 27 आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। 14 माइनस के और माइनस के 13 हो गए माइनस के 27, जोड़ने पर 27 आ गए माइनस के, तो गुणा करेंगे 13 और 14 को तो 182, तो ये दो गुणनखंड हो गए। यहाँ पे x है, यहाँ भी x है तो x कॉमन ले लिया तो x बाहर आ गया तो एक x बच गया माइनस, ये x आ गया इधर तो ये 14 बच गए। यहाँ पे माइनस 13 कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 13 तो बाहर आ गया, ये बच गया x, ये माइनस प्लस हो गया माइनस, 13 का भाग देंगे तो 13 एकम 13 ये हो गया 5 52, तो 13 चौका 52 बराबर 0। तो बाहर वाली संख्या ले लेते हैं एक्स माइनस 13 और इन दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं तो एक्स माइनस 14, एक्स माइनस 13 को 0 के बराबर ले लेते हैं और एक्स माइनस 14 को भी 0 के बराबर ले लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स बराबर ये इधर आएगा तो प्लस के 13 और एक्स बराबर ये इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस के 14। तो एक्स का मान आ गया हमारे पास 13 और 14, तो हमारे पास पहली संख्या हो गई 13 14, दूसरी संख्या हो गई। नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। माना एक पूर्णांक x, दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर एक्स प्लस 1। प्रश्नानुसार दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग का योग 365 है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स को a मान लिया a को b मान लिया तो ये तो एक्स स्क्वायर आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स a है तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह x आ गया और b की जगह 1 आ गया प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर बराबर 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा 1, 2 एकम 2 को एक्स से गुणा किया तो 2x प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, माइनस 365 को इधर लिया है तो माइनस का हो गया बराबर 0। एक्स स्क्वायर हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 364 बराबर 0। पूरी समीकरण 2 का भाग जा सकता है इसलिए 2 का भाग देने पर एक्स स्क्वायर
दो का भाग दिया तो यहाँ पे दो का भाग दिया तो एक्स, इसमें दो का भाग देंगे, दो एकम दो, दो आठ सोलह, दो दूनी चार बराबर जीरो। अब एक्स का ऐसे टुकड़े करते हैं कि 182 गुणा एक तो 182 के बराबर आए, तो हम इसके टुकड़े कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर जीरो। तो प्लस के 14x में से माइनस के 13x गए तो प्लस का x बच गया, और 13 और 14 गुणा करेंगे तो 182 के बराबर आ जाएगा। x दोनों में इसलिए x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x, x ये बाहर आ गया तो ये बच गया 14, यहाँ माइनस 13 बाहर ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 13 बाहर निकल गया तो ये बच गया x, माइनस माइनस प्लस 13 का भाग देंगे तो 13 एकम 13 ये 5 बच गया 52 हो गया, 13 चौका 52 बराबर जीरो। तो ये बाहर वाली संख्या ले लेंगे एक साथ x माइनस 13 और इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे x प्लस 14 बराबर जीरो। तो x माइनस 13 बराबर जीरो कर लिया इसको, और x प्लस 14 बराबर जीरो इसके बराबर कर लिया, तो x बराबर आ गया इधर ले जाएंगे तो प्लस 13 और ये आ गया इधर ले जाएंगे तो माइनस 14। तो हमसे क्वेश्चन में धनात्मक पूर्णांक पूछा है, धनात्मक पूर्णांक, तो ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है इसलिए इसे छोड़ देंगे। तो हमारे पास में एक पूर्णांक आ गया x बराबर 13 और दूसरा क्रमागत पूर्णांक जो हमारे पास है x प्लस 1, तो ये आ गया 13 प्लस 1 बराबर 14। ये x और ये x प्लस 1, x की जगह 13 रख दिए और यहाँ 13 रहे 14, तो ये हमारे आंसर आ गए 13 और 14 आंसर। 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को x मान लिया तो ऊंचाई x माइनस 7 हो जाएगी क्योंकि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज, यह आधार, कर्ण और लंब, लंब मतलब ऊंचाई, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार को x मान लिया तो ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7, और कर्ण हमको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे माना त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर x माइनस 7 क्योंकि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है इसलिए x माइनस 7, और कर्ण हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो हमको दो भुजाएं ज्ञात करनी है, ये आधार और ऊंचाई दोनों, तो हम ये पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण हमको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, 13 का वर्ग, आधार हमको दे रखा है एक्स, एक्स स्क्वायर, लंब हमको दे रखा है ऊंचाई, ऊंचाई क्या है लंब, एक्स माइनस 7 का वर्ग, 13 का वर्ग होता है 13 13 169, और एक्स स्क्वायर इसको करते हैं हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करते हैं तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से करेंगे तो एक्स को ए मान लिया और 7 को बी मान लिया, तो जहाँ पर ए है वहाँ एक्स लिख देंगे, जहाँ पर बी है वहाँ पर 7 लिख देंगे, तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह एक्स लिखेंगे और बी की जगह 7, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर
तो ये आ गया 169 बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गया 2x² माइनस 7 × 14 प्लस 7 × 7 49। अब 2x² माइनस 14x प्लस 49, 169 को इधर लाएंगे तो माइनस का 169 बराबर 0। 2x² माइनस 14x माइनस 169 में से 49 कम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस 120 बराबर 0। पूरी समीकरण में 2 का भाग जा सकता है, इसलिए 2 का भाग देने पर तो ये आ गया x² 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट गया, माइनस 14 में 2 का भाग देंगे तो 7x माइनस 120 में 2 का भाग देंगे तो 60 बराबर 0। अब 60 को यहाँ 1 से गुणा करते हैं तो 60 आता है, तो 7 के ऐसे टुकड़े करें गुणा करने पर 60 आए और जोड़ने पर 7 आए तो 12 × 5 = 60, तो 12 में 5 गए तो 7 बच गए, तो x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। माइनस 12x में से प्लस 5x गए तो माइनस के 7x बच गए, 12 और 5 को गुणा करते हैं तो 60 आता है, तो इसके दो टुकड़े कर लिए। अब यहाँ पे x है तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया x, माइनस ये x बाहर गया तो ये बच गया 12, यहाँ प्लस 5 ले लिया तो ये x बच गया, प्लस माइनस माइनस 5 का भाग दिया 60 में, 5 × 5 ये 10 हो गए तो 5 × 2 = 10 बराबर 0। ये दोनों बाहर वाली संख्या बाहर एक साथ ले ली x प्लस 5 और ये दोनों एक साथ ले ली, इन दोनों में एक कॉमन ले लिया तो x माइनस 12, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 बराबर 0 कर लिया इसको, और इसको कर लेंगे x माइनस 12 बराबर 0। एक्स बराबर आगे इधर ले जाएंगे तो माइनस 5 और इसको 12 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का जो प्लस का हो जाएगा 12। तो लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, x माइनस 5 को छोड़ देंगे तो हमारे पास में x का मान आ गया 12 प्लस में, तो हमने आधार x 12 आ जाएगा और ऊंचाई 12 में से 7 घटा देंगे तो हमारे पास आधार आ गया 12 और ऊंचाई आ जाएगी 7 अर्थात x का मान 12 है, 12 − 7 = 5, तो ये आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 6, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, मान लो x बर्तनों का निर्माण किया गया तो दुगने 2x में 2 अधिक, 2x में 3 अधिक, दुगने से 3 अधिक है तो 2x प्लस 3 थी, यदि उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपये थी तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x प्रत्येक नग की लागत, हमें क्या बता रखा है कि जो निर्माण किए गए बर्तन है x उनका दुगने से 3 अधिक, तो 2x प्लस 3 हो जाएगी। अब कुल निर्माण लागत बराबर जितने बर्तन की संख्या है उसको लागत से गुणा कर देते हैं तो x गुणा 2x प्लस 3, इसको यहीं सोल्व करते हैं, 2x को x से गुणा करेंगे 2x² x को x से गुणा किया तो स्क्वायर और 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x। अब प्रश्नानुसार
कुल निर्माण लागत है जो क्वेश्चन में है 90 रुपये, तो ये कुल निर्माण लागत 90 रुपये है। तो 2x² + 3x = 90, तो इसको सॉल्व करते हैं, 2x² + 3x - 90 = 0, 90 को इधर लिए माइनस का हो गया। अब 90 × 2 = 180 होता है, तो 3 के ऐसे टुकड़े करें, गुणा करने पर 180 आए, जोड़ने पर 3 आए, तो ये इसके आगे 15 और 12 में से 12 गए तो 3 बच गए, और 15 और 12 गुणा करेंगे तो 180, 2x² + 15x - 12x - 90 = 0, 15 में 12 गए तो प्लस के 3 बच गए, इन दोनों गुणा करते हैं तो 180 आएगा। एक गुणनखंड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो यहाँ हमने कॉमन ले लिया x, तो 2 और x एक बाहर चले गया तो x बच गया, प्लस ये x बाहर चले गया तो 15 माइनस यहाँ पे 6 का भाग जा सकता है, तो इसलिए हमने 6 बाहर ले लिए, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 × 2 = 12 और x आ गया, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 6 का भाग देते हैं, 6 × 6 = 3 बच गए, ये हो गया 30, 6 × 5 = 30 = 0, एक्स माइनस 6 दोनों बाहर वाली संख्या एक साथ ले ली और दोनों में से एक कॉमन ले लिया, 2x + 15 = 0, x - 6 = 0 हो गया, ये इसके बराबर, और 2x + 15 = 0 हो गया, तो एक्स बराबर आ गया प्लस का 6 और ये 2x = -15, x = -15/2। अब बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, हमने x बर्तनों की संख्या ली है, तो बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए -15/2 छोड़ने पर, इसको छोड़ देंगे, माइनस का मान नहीं आएगा, तो हमारे पास में बर्तनों की संख्या बराबर आ गई 6, क्यों, बर्तन हमने x लिए थे तो बराबर 6, और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत थी हमारे पास 2x + 3, 2x + 3, 2x का मान हम 6 रख देंगे, प्लस 3, 6 × 2 = 12 और 3 तो ये हो गए 15, तो प्रत्येक नग की लागत 15 रुपये आ गए, तो एक आंसर तो ये आ गया और दूसरा ये आ गया। इस तरह आपकी प्रश्नवाली 4.2 कंप्लीट होती है। कीप वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।